हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपका सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट है आपका सामाजिक अध्ययन का। इसके बारे में इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, बेसिकली हम इसमें पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे, सिलेबस आपका क्या, आपका सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं आपके। और पता है ये आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है, आपके ये 50 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में, और ये आपका पहला वीडियो है इस पे सामाजिक अध्ययन पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पे आप जुड़ सकते हैं, और जो भी क्लास चलते हैं आपके वहाँ पे फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सारे लेक्चर के, तो आप इस पर जुड़ जाइए @DLED Study Classes। ये आपका टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस, अबाउट सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कई सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, और उनके अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं, उनको देखेंगे। तो जैसे इसमें पहला आपका चैप्टर है या पहला अध्याय है, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम होगा आपका भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। जो आप जितने भी साम्राज्य रहे हैं, जितने भी डायनेस्टी रहे हैं, तो उसमें जो पहले डायनेस्टी है सबसे पहले उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका पहला आ जाता है इसके अंतर्गत मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसके संस्थापक कौन था, ठीक है, ये देखेंगे। जैसे कि इसका संस्थापक तो में हम पढ़ेंगे आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त साम्राज्य है इसके बारे में भी आ जाएगा। ये दूसरा डिनेस्टी आपकी, पहला डिनेस्टी आपका मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश में आपको चंद्रगुप्त को पढ़ना है, अशोक को पढ़ना है, और एक और आ जाते हैं आपके बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार उनको भी पढ़ना है इसमें मौर्य डिनेस्टी में ही। तो आपके तीन, ठीक है, तीन योद्धाओं के बारे में पढ़ना है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और आपका बिंदुसार, ठीक है। फिर दूसरा आपका डायनेस्टी आ जाता है आपका गुप्त साम्राज्य, इसके बाद में पढ़ना है, और इसी में आता है आपका हर्षवर्धन, ठीक है, वर्धन वंश जिसको कहते हैं हर्षवर्धन वंश, गुप्त वंश के बाद आता है। तो बेसिकली तीन वंश के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश ये आपको पढ़ना है आपके हर्षवर्धन वंश। तो पहला आपका डायनेस्टी हो जाएगा मौर्य, दूसरा आपका गुप्त साम्राज्य, और तीसरा हर्षवर्धन वंश, मतलब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और आपके गुप्त वंश में जो भी गुप्त वंश से रिलेटेड राज वो सम्राट रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था। और दूसरा चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है आपके, दूसरा चैप्टर हम पढ़ना है आपके सामंतवादकालीन भारत, ठीक है। तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है आपका, स्टार्टिंग में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है आपके, ठीक है, ये प्राचीन इतिहास में आते हैं आपके। और दूसरा इसमें आपका चैप्टर का नाम होगा सामंतवाद कालीन भारत, ठीक है, इसमें पढ़ना है आपके जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, ठीक है, इसमें वो पढ़ना है, इसमें आपके पढ़ना है चालुक्य वंश, ठीक है, इसमें पढ़ना है पल्लव वंश, आपके पल्लव वंश के बारे में पढ़ना है आपके, फिर चोल वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे इसमें आते हैं, इसमें आपके जो भी दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ना है, बेसिकली कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर है आपका, अभी प्राचीन इतिहास ही चल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री। और थर्ड चैप्टर है आपका इसमें इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत, यहाँ से आपका मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है, मिडिवल हिस्ट्री जिसे कहते हैं। जैसे इसमें हमको पढ़ना है टॉपिक है इसमें आपका इस्लाम का उदय, ठीक है, जैसे कि इसमें जो अरब आए थे भारत पर आक्रमण किए थे उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना है, महमूद गजनबी को पढ़ना है, महमूद गजनबी, ठीक है,
इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपके फिर आपके मोहम्मद गोरी जो होता था, मोहम्मद गोरी, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब अरबों का भारत पर आक्रमण था, ये सब थे अरब के, इनके बारे में पढ़ना है आपके, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत पर अरबों और तुर्की का आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, भी तुर्को तुर्क जो थे उनके आक्रमण का भी प्रभाव पढ़ना है भारत पे, तो इस आपके थर्ड चैप्टर में पढ़ना। और इसी में आपका पढ़ना है सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल में भारत के बारे में पढ़ना है, इसमें आपके सूफीवाद क्या था इसके बारे में पढ़ना है आपका। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपके विजयनगर का साम्राज्य कैसा था इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, और ये जो आपका सल्तनत काल में ही आपका आता है, इसी किस टॉपिक में आपका इसमें पढ़ना होगा, आपका गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद गुलाम वंश इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप इसको खिलजी वंश इसमें पढ़ेंगे, खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन थे, इसमें कौन कौन से महान योद्धा रहे हैं, फिर तुगलक वंश, ये सब आपके डायनेस्टी पढ़नी है, और आपका लास्ट था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश तो इसके अंतर्गत पढ़ना है, बाकी सूफीवाद क्या था, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और विजयनगर का साम्राज्य है वो पढ़ना है। ठीक है, अब आता है आपका चैप्टर नंबर 4, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम था आपका प्राकृतिक शक्तियाँ एवं स्थल मंडल, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट होता है, 3 चैप्टर तक आपके पढ़ने थे, जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री था वो था, अब यहाँ से आपका जियोग्राफी स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का नाम होगा, 4th चैप्टर होगा प्राकृतिक शक्ति एवं स्थल मंडल, इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, तो प्राकृतिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य के बारे में पढ़ना है आपका, चंद्रमा के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, तो चंद्रमा आपका एक क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, पृथ्वी क्या है आपका, ग्रह है। ठीक है, तो इस ग्रह और उपग्रह दोनों के बारे में पढ़ना है, चंद्रमा आपका उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इस तो ये भी देखेंगे आपके इसके अंतर्गत। और दूसरा टॉपिक है आप इसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मतलब परि मतलब बाहरी मंडल, जो भी पृथ्वी के हैं वो सब पढ़ेंगे आपके मंडल के बारे में, जैसे कि जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, आपके स्थल मंडल हो गया, इसमें आ जाता है आपके। ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इस सब में देखेंगे, इसमें देखेंगे आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में। और नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इसी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी है हमारी उसका जो आंतरिक भाग है वो किससे किससे मिल के बना है, तो इस 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका भूपर्पटी होता है, जिसमें हम चलते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग वो होता है, उसके नीचे वाला भाग आपका मेंटल होता है, और सबसे नीचे वाला भाग आपका कोर होता है, तो ये कोर मेंटल भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे, ये किससे मिलकर बने होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका चट्टान, ठीक है, जिसको हम सेल कहते हैं या रॉक्स कहते हैं, रॉक्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चट्टान के बारे में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 में, ये सब टॉपिक हैं बड़े बड़े। अब आ जाते हैं आपके अध्याय 5, इसमें आपका हेडिंग रहेगा, आपका चैप्टर का नाम है विभिन्न धरातलीय कारक, तो धरातलीय कारक कौन कौन से हैं, तो जैसे कि धरातल के रूप में बदलने वाले कारक कौन कौन से हैं, अंतर्जात बल क्या है, मतलब कि अंतर्जात मतलब अंदर की जो आपके धरातलीय बल कौन कौन से हैं, तो इसमें हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे अंतर्जात में, फिर भूकंप, अंतर्जात इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर से होता है, भूकंप भी बाहर आता है अंदर से पृथ्वी के, ठीक है, इसलिए इनको अंतर्जात बल कहते हैं, तो ये दोनों पढ़ेंगे अंतर्जात बल में। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपदा प्रबंधन, ठीक है,
आपका होगा आपदा प्रबंधन। और नेक्स्ट है आपका बहिजात बल, मतलब कि जो बाह्य बल जो पृथ्वी पे लगते हैं, बाह्य बल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके अपक्षय आ जाएगा, अपरदन आ जाएगा। अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव, ठीक है, मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना कट के, हवा से, आपके पानी से, तूफान से, ये आपका मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तो ये पढ़ेंगे, तो ये अभी आपका जियोग्राफी ही चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, ये भी आपका जियोग्राफी का ही भाग है। इसमें पढ़ना है आपको वायुमंडल एवं जलमंडल। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जलमंडल, ठीक है। जलमंडल में आपके कौन कौन से घटक होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका पवन के बारे में। सॉरी, ये आपका वायुमंडल है, तो वायुमंडल में आपका पवन भी आता है, हवा वायुमंडल का भाग है। फिर चक्रवात भी आपका वायुमंडल का भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुमंडल, और फिर वायुमंडल की संघटक पढ़ेंगे, फिर संरचना पढ़ेंगे, फिर तत्व क्या होता है, फिर आपका जो तापमान होता है ये भी आपका वायुमंडल का भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वायु दाब के बारे में भी पढ़ेंगे, वायु दाब, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पवन के बारे में पढ़ेंगे, पवन के जो प्रकार हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, फिर चक्रवात के जो प्रकार है उसको देखेंगे, चक्रवात के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। अब आता है इसी में नेक्स्ट है हेडिंग, इसमें आपका रहेगा जलमंडल, ठीक है। जलमंडल अब आपका आ जाता है, तो इसमें आपके जैसे सागरीय धाराएं जो होती हैं, फिर लहरें होती हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जलमंडल में ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा ये रहा, इसमें पढ़ेंगे, जलमंडल का ही पार्ट है, ये सब जलमंडल के पार्ट हैं। लहरें, महासागरीय धाराएं, आपका ज्वार भाटा, ये आएंगे। आपको ज्वार का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्वार और भाटा क्या होता है, जैसे कि आपका ये समुंदर है, तो इसमें पानी का ऊपर उठना ये आपका ज्वार कहलाता है, ठीक है, और नीचे गिरना ये आपका भाटा कहलाता है। तो ये दिन में 2 बार होता है, तो इसी को हम पढ़ना है हमको कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो ज्वार भाटा आपके गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है, तो जब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अभी तक हमने मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री देखा था, और फिर जियोग्राफी देखा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपका भारतीय संविधान जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से नया आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें पढ़ना है आपका जो हमारा संविधान है इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान का परिचय, ठीक है, संविधान होता क्या है इसका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इसका अवधारणा या परिभाषा पढ़ेंगे, संविधान किसे कहते हैं। फिर इसको इसका संगठन गठन पढ़ेंगे, कैसे संविधान बना हमारा देश का, ठीक है, इसमें कौन कौन सी समितियाँ थी जो योगदान दी बनाने में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके समिति में आपके प्रारूप समिति आ जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और संविधान का प्रस्तावना, इसका प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक होगा नागरिकता, संविधान में ही, और नागरिकता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश के नागरिक, हम देश का नागरिक कैसे बन सकते हैं, नागरिकता होता क्या है, नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा इसमें आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, और कर्तव्य हमारे 11 हैं, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। और उसके बाद आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, 21 आर्टिकल से किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत है, ये सब पढ़ेंगे। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार आ जाता है, 1 मिनट, जो मौलिक अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, ठीक है, इसमें देखेंगे। और कर्तव्य आपका 36 से 51 तक आ जाता है अनुच्छेद, तो ये सब देखेंगे किसके तहत आता है ये सब,
फिर इसमें हम देखेंगे उपभोक्ता, ठीक है, फिर उपभोक्ता का दायित्व तो क्या होता है, फिर उपभोक्ता पर होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, ठीक है। अब आता है आपका अध्याय नंबर 8। अब ये आपका नया चैप्टर सब्जेक्ट है जो है आपका इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी है आपका, जिसको हम अर्थ व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नया चैप्टर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें पहला टॉपिक होगा भारत में कृषि। तो इसमें हम जानेंगे कि आपके भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे, फिर आपका फसलों का वर्गीकरण जानेंगे, फसलों का वर्गीकरण कितने टाइप्स के आपके फसल होते हैं, इसमें आपका रबी का फसल देखेंगे, जायज का फसल देखेंगे, ठीक है। और भारत में फसल चक्र क्या है, इसमें जानेंगे फसल चक्र। फसल चक्र मतलब कि किस क्रम में फसल को लगाना चाहिए, कौन सा पहले फसल लगाना चाहिए, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर कृषि का महत्व भी देखेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका भारत कृषि में उत्पादन, मतलब भारत के कृषि में क्या क्या उत्पादन करते हैं आपका, वो सब आ जाएगा। और फिर कृषि उत्पादन में क्या क्या बाधाएं होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या उत्पन्न होता है उत्पादन भी देखेंगे, और इनमें बाधाएं क्या क्या आती हैं उत्पादन में वो भी देखेंगे इस चैप्टर के तहत। और आपके कृषि के विकास में जो सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय हैं वो भी जानेंगे। और नेक्स्ट आपका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका हरित क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे आपका, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि नीति जो मतलब सरकार ने नीति बनाए थे आपके कृषि संबंधित, वो जानेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके राष्ट्रीय कृषि नीति, ठीक है। अब आता है चैप्टर आपका 9, ये भी आपका इकोनॉमी ही है, ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमी है। इसमें आपका पहले पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, ठीक है, मुद्रा का अर्थ देखेंगे, आपका अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे आपका मुद्रा का, ठीक है। और इसमें आपका कार्य देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, इसका वर्गीकरण, फिर मुद्रा का कार्य क्या है, ये सब देखेंगे कार्य, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुद्रा स्फीति क्या होती है, ये जानेंगे, ठीक है। और मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं, ये आपका देखेंगे, ठीक है, दूसरा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपके भारत की मौद्रिक नीति क्या है, मतलब भारत ने मौद्रिक मुद्रा मुद्रा से रिलेटेड कौन कौन से नियम बनाए हैं वो जानेंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास के बारे में जानेंगे, जैसे पहले जानेंगे कि स्वतंत्र तब प्राप्ति के पश्चात भारत में कैसे औद्योगिक विकास हुआ, ठीक है, फिर औद्योगिकरण की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर वर्तमान समय में कैसा है हमारा औद्योगिकरण, ठीक है, इस औद्योगिकरण के आपके लाभ क्या हैं, फिर हानि क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। औद्योगिकरण से मतलब बड़े बड़े कारखानों से हैं जिसमें सब काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुटीर एवं लघु उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग पहले पढ़ेंगे, फिर आपका लघु उद्योग के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर कुटीर एवं लघु उद्योग की समस्याएं क्या हैं, फिर समस्या से लड़ने के समाधान देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए इसके विकास के लिए जो सरकारी प्रयास किए जाते हैं ये जानेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत की नई औद्योगिक नीति, मतलब भारत ने नई कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं औद्योगिक से, ये देखेंगे। और फिर है आपका लास्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मतलब इंटरनेशनल आपकी जो कंपनी होती हैं, इंटरनेशनल मतलब कि जो विदेशी कंपनियाँ होती हैं उनके बारे में जानेंगे, विदेशी कंपनी, ठीक है, जो हमारे इंडिया में है।
उनके बारे में जानेंगे जो निवेश करती हैं, वो देखेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये था आपका सोशल स्टडी या आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस जो बहुत बड़ा है, सबको तोड़ तोड़ के पढ़ना है ये आपका। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या पढ़ना है, 9 अध्याय हैं और सब में कम से कम 8 से 10 टॉपिक हैं और टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये ऐसा मतलब सोशल स्टडी है आपका जो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये ऐसा पेपर है तो इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें से सी टेट यूपी टेट सुपर टेट सब में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बहुत अच्छे अच्छे हैं। सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले चैप्टर हैं यहाँ पे। ये मुद्रा स्फीति बहुत पूछता है और आपका अवस्फीति पूछता है यहाँ से, ठीक है। और फिर आपके हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है आपका। और यहाँ से पूछता है आपका मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत पूछता है और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन, नागरिकता से क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ से नीति निर्देशक तत्व से पूछता है बहुत। और आएंगे जियोग्राफी में तो ज्वार भाटा से पूछता है, ठीक है। ये आपके वायुमंडल से बहुत पूछता है क्वेश्चन, मतलब जियोग्राफी से तो सारा पूछता है, ठीक है। भूकंप से क्वेश्चन पूछता है, ज्वालामुखी से पूछता है आपके क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में। बाकी चट्टानों से पूछता है, जैसे चट्टाने आपका अग्नेय चट्टाने हो गए, चट्टानों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये जियोग्राफी से तो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री से कम पूछता है लेकिन जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम वन बाई वन करके पढ़ने वाले हैं। तो आपका कल वीडियो आ जाएगा इस पर और इसमें हम पहला चैप्टर लेके आएंगे आपका भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें हम लाएंगे कल मौर्य वंश, ठीक है। कल हम मौर्य वंश लाएंगे, इसमें अशोक को भी पढ़ेंगे और आपका चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, ठीक है। कल इनको दो 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 योद्धा हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ओके। और ये आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए जो है @DailyStudyClasses, ठीक है, ओके, थैंक यू।